गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे लिए गुड मॉर्निंग तो है नहीं, आ रहे थे इंटर्नशिप के लिए बायजूस का, तो क्या हुआ कि गाड़ी खड़ा किए रोड में, कोई गाड़ी आके ये ठोक के चला गया और हम गए हुए थे बिल्डिंग के ऊपर। तो अब जाके इंटर्नशिप ख़त्म होता है तो जाके इसको दिखाना पड़ेगा, इसको क्या रेट आता है पता नहीं, पर नहीं पता क्या हो गया है। नीचे भी एक दिन भैया गाड़ी खड़ा किए थे, नीचे भी कोई रगड़ के चला गया था, लगता है नज़र लग गया है इसको। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, अभी बायजूस का इंटर्नशिप ख़त्म हुआ था, मतलब वो इंटर्नशिप लगभग यही 2 बजे तक होता है, उसके बाद फिर मीटिंग हुआ, मीटिंग के बाद से निकल रहे हैं। आपको तो सुबह में अपडेट कर ही दिए थे कि क्या हो गया गाड़ी के साथ, ये इसका साइड मिरर ही टूट गया, तो फ़ोन में बात हुआ था पर उतना क्लियर नहीं था, उनको लगा कि हो सकता है इसका कैप ही सिर्फ हटा होगा, लेकिन इसका ग्लास भी हट गया है, और ग्लास तो हट ही गया और बाहर से इसका LED भी टूट गया, तो उसका पता करना है कि टोटल कितना खर्चा आएगा। एक बार पता चल जाए उसके बाद फिर तो बहुत बुरा लगता है भाई, टूट जाने के बाद बहुत ही बुरा लगता है। वही पता करते हैं रेट उठ क्या लगेगा, कितना दिन लगेगा, उसके बाद फिर अपडेट करते हैं। हुआ ये कि वॉक्सवैगन के शोरूम में गए, उनको दिखाए, वो बोले कि पूरा ये हाउसिंग जो है पूरा चेंज होगा, इसमें अलग से ऊपर से कैप भी लगेगा और ग्लास भी लगेगा क्योंकि पूरा टूट गया। तो वो बोले कि 1 वीक तो वेट करना होगा, जब प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर कर दे रहे हैं यहाँ से 1 वीक लगेगा आने में, तो उसके बाद ही कुछ आगे का प्रोसेस होगा, ऊपर वाला फिर आएगा, मतलब पूरा हाउसिंग आएगा, फिर ऊपर वाला को पेंट किया जाएगा ब्लैक में, क्योंकि GT लाइन में तो ब्लैक में आता है। तो 1 वीक के लिए तो ये कार तो अब चलाने वाले हैं नहीं, बहुत तकलीफ़ होता है जब ऐसा कुछ हो जाता है, जब आपका गलती नहीं हो, अगला मार के निकल जाए, आपको पता भी नहीं कि कौन मार के निकल गया। इतना जाम लगा हुआ है इस रोड में, बहुत जाम लगा हुआ है, गलत एंट्री ले ली, हमको दूसरा रिंग रोड साइड से जाना चाहिए था, पर हम तो जाम में फंस ही गए। और ऊपर से इसको ब्रेक डाउन अगर करते हैं इसका, तो 500 का ग्लास लगेगा, पूरा हाउसिंग 4,500 का आएगा और 500 का ऊपर का कैप लगेगा, और फिटमेंट चार्ज 1,500 रुपया जैसा लगेगा। और बताइएगा आपके साथ भी अगर ऐसा होता होगा कि आप गाड़ी खड़ा किए कहीं पर और आपका गाड़ी को कोई ठोक के चला गया, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बहुत ख़राब फील होता है। देखते हैं जाम में कितना टाइम लगता है, काफ़ी जाम रहता है, यहाँ पर फ्लाईओवर बनने वाला है उसके लिए जाम है ये। ओके, तो आज के लिए बस यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। डू लाइक सब्सक्राइब एंड डू कमेंट कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि कोई भी आके कभी भी कहीं भी मार के चला जाता है गाड़ी को जब आप नहीं हो। ये दूसरा बार इसके साथ हो गया, इसलिए थैंक यू सो मच।